इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस नाउ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला है क्या? इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिम्बॉलिक सिम्बल्स फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स को, कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स को उसको केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी लर्न होनी चाहिए। एक टेबल हम फर्दर देखेंगे जिसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात है, कंबाइनिंग कैपेसिटी दी होगी वेरियस एलिमेंट्स की, जिनका आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म आता है वैलेंसी, ये एक नया टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? The combining power or capacity of an element is known as its valency. कि combining power क्या है, कितने atoms एक element के combine करेंगे दूसरे element के साथ, क्या capacity है एक element की दूसरे element के साथ combine होने की, उसको हम क्या कहते हैं, valency है। इसको valency का अब usage क्या है? It can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. किस तरह से वैलेंसी से हमको ये पता चलता है कि कितने एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ये वैलेंसी से ही हमको पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द टर्म वैलेंसी। उन्होंने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन एंड ऑक्टोपस का। अब इन दोनों को हैंडशेक करना है, ह्यूमंस के पास कितने आर्म्स हैं और कितने हैंड्स हैं, ह्यूमन के दो हाथ होते हैं एंड ऑक्टोपस के एट होते हैं, ऑक्टो मीन्स एट। सपोज दिस इज ऑक्टोपस, ये ड्राइंग ऐसे ही बना रही हूँ, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑक्टोपस सपोज 5, 6, 7, 8. So these are 8 arms of octopus. Octopus नहीं दिख रहा लेकिन it's just for understanding. तो अब एक human है, suppose a human गया octopus के पास to shake hand. तो यहाँ पे दोनों hands से उसने shake hand किया, a ने यहाँ पे shake कर दिया. Then again another human went to octopus, उसने shake hand किया b human एंड यहाँ से दोनों आर्म्स को शेक कर लिया। आफ्टर देन सी वेंट टू ऑक्टोपस, यहाँ पे दोनों सी आ गए एंड देन डी ह्यूमन, डी ह्यूमन। सो अब आठों के आठों आर्म्स जो हैं ऑक्टोपस के ऑक्यूपाई हो गए हैं। तो एक ऑक्टोपस को कितने ह्यूमंस चाहिए थे टू कवर ऑल द आर्म्स? आंसर इज ए बी सी डी, दैट इज 4 ह्यूमंस। ओके, यहां से हमें पता चला द केमिकल फॉर्मूला विच कैन बी बिटवीन द ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस, दैट कैन बी अगर हम ऑक्टोपस का सिंबल ओ लें और ह्यूमन का एच लें तो सिंबल विल बी ओ एच 4, वेरी सिंपल। सिमिलरली एक केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए भी इसी तरह के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, मतलब कितने आर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। जैसे कि टेबल है सोडियम, सोडियम में चार्ज है 1 पॉजिटिव, तो यहां पे 1 साइट इज अवेलेबल टू फॉर्म अ बॉन्ड। सिमिलरली पोटेशियम, 1 साइट इज अवेलेबल। सिल्वर प्लस 1 साइट इज अवेलेबल। कॉपर Cu पॉजिटिव, 1 साइट इज अवेलेबल। कुछ जो होते हैं जैसे कॉपर है इनमें मोर देन 1 वैलेंसी ये शो करते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम हेयर 2 साइट्स अवेलेबल, 2+। सो ये जो नंबर्स हैं दीज आर द वैलेंसी। सिमिलरली जिंक Zn2+, कैल्शियम Ca2+। सो ये जो टेबल है इट इज गिवन इन NCERT, इसके आपको एक तो सिंबल्स, गो थ्रू द सिंबल्स प्लस गो थ्रू द वेरियस वैलेंसीज। ये यहाँ पे आयन के नेम है विद दिस सिंबल। सिमिलरली नॉन
metallic, these are the metallic, and then here the non-metallic element, hydrogen, chloride, bromide, iodide, then polyatomic, ammonium. The polyatomic हमने पहले ही पढ़ा कि जहाँ पे group of atoms जो होते हैं, multiple atoms उनके ऊपर जो charge होता है, group के ऊपर, NH4 positive है, जैसे यहाँ पे ये group के ऊपर है, so they are known as polyatomic ions. Go through this table. ये बहुत helpful रहेगा to derive various chemical formulas. And हम इन charges के बारे में भी further अच्छे से discuss करेंगे in our coming chapters. कि किस तरह से ये 2 positive है, किस तरह से ये negative यहाँ पे है, then how come here positive, here how come the anions and cations are formed. We will discuss about it further. बहुत important है carbonate को जानना. Then sulfite SO3 2 negative. The overall, the 2 negative is, ये जो 2 negative charge है, ये overall SO3 पे है. It is not only on oxygen. सिर्फ oxygen पे नहीं है, ये overall SO3 पे है. Similarly, sulfate which is SO4, ये पूरे पे है. Then phosphate. Now further हमें इससे ज़्यादा at this moment नहीं जानना है. So जो हमें derive करना है, first of all कि हमें देखने हैं कि what are the rules while writing a chemical formula. सबसे पहले जो valency और charges जो होने चाहिए on the ion, they must balance. हम आगे further examples जब करेंगे तो ये हमें clear हो जाएगा the various rules which we use to write the chemical formula कि किस तरह से ये balance हो रहे हैं. Then when a compound consists of a metal, दो मेटल है और नॉन मेटल है कंपाउंड में, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मेटल जो होता है वो पहले आता है. तो प्रेफरेंस ऑर्डर में जो आगे हम लिखते हैं वो मेटल का नाम लिखते हैं. ये सब हम एग्जांपल्स जो अब करने वाले हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है. कैल्शियम जो है दैट इज अ मेटल. ऑक्सीजन जो है दैट इज अ नॉन मेटल. तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बाद में आया, केमिकल फॉर्मूला ये लिखे हुए हैं, एंड कैल्शियम पहले आया. तो मेटल पहले लिखा जाता है, ऑक्सीजन बाद में लिखा जाता है. सोडियम क्लोराइड Na, सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोराइड इज अ नॉन मेटल, तो ये बाद में लिखा गया. सिमिलरली आयरन सल्फाइड FeS, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन एंड दिस इज सल्फर. देन कॉपर ऑक्साइड. सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल. यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर दे आर नॉन मेटल, दे आर रिटन ऑन द राइट, एंड कैल्शियम सोडियम आयरन कॉपर दे आर मेटल्स, दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट. फर्दर अब जहाँ पे पॉलीटॉमिक आयन्स होते हैं, तो आयन्स जो पॉलीटॉमिक टोटल होता है, जैसे कि PO4 हमने पीछे, जैसे कि हमने पॉलीटॉमिक आयन्स के बारे में पीछे पढ़ा इन द टेबल हेयर, जैसे सल्फाइट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, ये पूरी लाइन जो है, इनको हम कैसे लिखते हैं. इनको लिखने का तरीका ये होता है कि इन आयन्स को एनक्लोज किया जाता है एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद उनका नंबर लिखा जाता है टू इंडिकेट द रेशो.